ये किसको धमकी दे रहे छात्र पढ़े भोखा चौदह है हम लोग क्या ये किसको धमकी दे रहे छात्र पढ़े भोखा चौदह है हम लोग क्या जिस संगठन का कार्यकर्ता अपशब्द हो जाता है संगठन के कार्यकर्ता अभद्र हो जाते हैं कि शब्दों की गरिमा को ठीक कर लो तो ये नहीं कह सकते हैं एकदम नहीं कह सकते हैं कि तेलंगाना 1953 में 56 में अलग हो गया। मोतीलाल महतो के चंदा वाले मसले की जानकारी हुई डेटा है पूरा डॉक्यूमेंट है तब मैंने कहा चाय से ज्यादा केतली गर्म ऐसे लोग ज्यादा हैं। लेकिन एक बात अच्छे से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस संगठन का कार्यकर्ता अपशब्द हो जाता है संगठन के कार्यकर्ता अभद्र हो जाते हैं उस संगठन की बर्बादी तय हो जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को ये एकदम स्पष्ट बेहतर प्यार से कह देना चाहते हैं कि शब्दों की गरिमा को ठीक कर लो। शब्दों की जो गरिमा है वो ठीक कर लीजिए। चाहे समर्थक मेरे हैं चाहे समर्थक किसी और के हैं हम फिर से कह रहे हैं कि हाँ लिखें अनूप सिंह के बारे में क्यों नहीं कहते हैं जब मंचों से भाषण देना होगा तो फिर से कुछ कहा जाएगा लेकिन हम पत्रकारिता कर रहे हैं बिना डेटा के कुछ नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता का अपने दायरा है प्रूफ होगा तो सोचा जाएगा प्रूफ होगा तो किया जाएगा लेकिन फिलहाल हम जिस फील्ड में हैं जिस पत्रकारिता को हम संभाले हुए हैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी जवाबदेही है तो हमको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। हम तो ये नहीं कह सकते हैं एकदम नहीं कह सकते हैं कि तेलंगाना 1953 में 56 में अलग हो गया। हम बिना डेटा के बिना सबूत के बिना प्रूफ के बिना सही जानकारी के कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जानकारी होगी मोतीलाल महतो के चंदा वाले मसले की जानकारी हुई डेटा है पूरा डॉक्यूमेंट है तब मैंने कहा और वैसे लोग ज्यादा उछल रहे हैं जो इस आंदोलन में अपना 1% पसीना तक नहीं निकाले। कमेंट्स देख रहा हूं वैसे लोग ज्यादा उछल रहे हैं और वैसे लोग ही ज्यादा उछलते हैं। वो क्या होते हैं तवा से जो क्या चाय से ज्यादा केतली गर्म ऐसे लोग ज्यादा हैं। और इस आंदोलन से हमको कुछ नहीं बनना था मेरे पास सब कुछ था पहले से सब कुछ था मेरा रंग रूप वेशभूषा काम तरीका सब कुछ था मेरा परिवार सक्षम था है बकायदा मेरा पूरा लोग एक एक यही तो बोले कल्पनाओं पे जी रहे हैं। देखिए फिर से एक नया आदमी आया जिसको ज्ञान अजय कुमार महतो लिखते हैं कि जब आप बोले थे कि खतियान लागू नहीं तब तक चप्पल नहीं पहनी ऐसा है अजय महतो जी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते थोड़ा सा समझ लेते शायद ज्यादा बेहतर होते। हम कहते जब तक बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगे वापस नहीं होगा चप्पल नहीं पहनेंगे और हुआ उसके बाद पहने कुछ भी। और अगर हमको लड़ना होता ना तो उस वक्त लड़ते जब सब कुछ फेम में था किसी के खिलाफ अगर लड़ना होता तो हम अभी लड़ने नहीं आते और हम लड़ने भी नहीं आए हैं। हम बहुत अच्छे समझाने आए हैं
कि जिसको आंदोलन करना है करे, जिसको जिसके साथ आंदोलन करना है करे, लेकिन किसी आंदोलन जो झारखंड के लोग हैं उनको कम से कम आप झारखंड के लोगों को ही सम्मान नहीं दे पाएंगे तो क्या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति तीन व्यक्ति से हो जाएगा? विधानसभा के अंदर स्थापना दिवस में कविताएं गाई जा रही थी बिहारियों के समर्थन में। सुधीर मंगलेश दा हैं, रामगढ़ से हैं, उनसे पूछिएगा किस तरीके से हम लोगों ने विवाद किया, विरोध किया। बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े।